दोस्तों सेकंड इम्पॉर्टेंट जो अचीवमेंट्स आता है नोबलाइजेशन ऑफ केन, ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा नोबलाइजेशन केन। तो ये जो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स है ये केन मतलब सुगर केन में हुआ है, ठीक है, केन को शॉर्ट में सुगर केन को केन बोला जाता है, ठीक है। तो केन में जो हुआ था वो किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट आया था, उससे पहले मैं आपको राइस के कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटी बता देता हूँ जिसको आप नोट कर सकते हैं, जो शॉर्ट हाइट थी और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मतलब इंडिया में इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक है। तो IR8 हो गया, TN1 हो गया, जया और रत्ना, ये वैरायटी आप लोड कर लीजिए। अब बात करते हैं अपन सुगर केन के लिए नोबलाइजेशन का, ठीक है। तो इसको किसने दिया था नोबलाइजेशन जो केन है उसको, CA बार्बर एंड TS वेंकट रमन, ये जो है इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, क्योंकि कोई भी क्रॉप के लिए ब्रीडर्स का नाम पूछा जाता है कि शुगर केन में ब्रीडर कौन थे, तो वेंकट रमन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि जो नोबलाइजेशन केन, जो मतलब नोबलाइजेशन का मतलब जो नया हमको नया तरीके से हमको केन को तैयार करना है जिसमें हमको क्वालिटी को मेंटेन रखना है, शुगर कंटेंट को मेंटेन रखना है, उसकी हाइट और उसके जो अदर क्वालिटीज़ होते हैं उनको मेंटेन रखना है, वो उसको हम मेंटेन रखते हुए नया वेराइटी बनाते हैं, वो कहलाता है नोबलाइजेशन ऑफ केन, ठीक है। तो नोबलाइजेशन ऑफ केन इन इंडिया, जो इंडिया में शुगर केन ब्रीडिंग होता है, आपको ये भी याद रखना है कि शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो है आपका कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में SBI भी बोलते हैं, मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद रखना उसको। तो ये यहाँ पर वर्क होता है, तो यहाँ पर वर्क होता है, तो हमने अभी मैंने बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग के लेक्चर्स में बताया कि हम जब नया वैरायटी बनाते हैं तो कभी भी पुराने वैरायटी को ध्यान में रख के बनाते हैं, ठीक है। तो पुराने वैरायटीज़ में जो पुराने स्पेसिस कह लो या वैरायटीज़ कह लो, तो उनको पहले सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो इसने सिलेक्ट हुआ था सैकेरम बारबेरी, जो वाइल्ड स्पेसिस थी जो कहीं कहीं पर शुगर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इस फीचर को हमने ब्रीडिंग के जरिए निकाल करके सैकेरम न्यू वैरायटी क्या बनी हमारी, सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, ऑफिसिनेरम, ये याद रखना जो न्यू वैरायटी है ऑफिसिनेरम। तो ये जो सैकेरम बारबेरी थी अभी भी नॉर्थ इंडिया में इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा था इस वैरायटी को, और इसको वहीं लार्जली ग्रो किया जाता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सैकेरम बारबेरी को। तो ये सैकेरम बारबेरी को इन्होंने सैकेरम ऑफिसिनेरम से क्रॉस कराया या अदर स्पेसीज से या वाइल्ड स्पेसीज से क्रॉस करवा कर उसने देखा, और हमारा फिर अस्तित्व में जो है नया शुगर केन का प्लांट आया। तो इसी तरीके से नोबलाइजेशन केन में किया जाता है और करते हैं, और इंडिया में यही मेथड फॉलो किया जाता है। तो नोबलाइजेशन केन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि साइंटिस्ट कौन इन्वॉल्व थे, किस वैरायटी को सिलेक्ट कर दिया गया था, कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था मैं कोयम्बटूर SBI आपको याद रखना है, और ये दो वैरायटी के नाम, दो बॉटिकल नेम आपको याद रखना है, सैकेरम बारबेरी और सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ग्रो होती थी, और जो वैरायटी आई फिर वो पूरे इंडिया के लिए ग्रोन अच्छा था, सूटेबल था, तो ऐसी वैरायटी को तैयार करते गए। तो नोबलाइजेशन केन में इतना ही है। और तीसरा, चलिए दोस्तों अब अपन जानते हैं तीसरा जो क्रॉप है हमारा जिसमें प्लांट ब्रीडिंग के लिए काफ़ी खास अचीवमेंट था, वो था हाइब्रिड मिलेट, ठीक है। तो हाइब्रिड मिलेट, अब हमको यहाँ पर मिलेट्स में क्या क्या आता है ये ध्यान देना है, पैडी, मेज और बाजरा, ठीक है। तो हाइब्रिड मिलेट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, सारे क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे अचीवमेंट्स आए थे, ठीक है। तो उसको मैं धीरे धीरे एक एक करके बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखें और इसको लिखते जा सकते हैं आप। पहला तो है डबल क्रॉस हाइब्रिड 1961। डबल क्रॉस हाइब्रिड कब से स्टार्ट हुआ आना, 1961। इसको जॉनेस करके एक साइंटिस्ट है डबल क्रॉस, उन्होंने बनाया था मेज में, वो याद रखना जॉनेस ने, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है कंपोजिट वैरायटीज़ में आता है मंजीरी, एक वैरायटी का नाम है विक्रम, सोना, किसान, CO1, NLD एंड रेणुका। तो ये वैरायटीज़ जो है कंपोजिट वैरायटी थी मेज की, इसको भी आप याद रखना। अब आते हैं अपन सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, है ना। तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और डबल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है, डबल क्रॉस और सिंगल क्रॉस, इसको मैं आपको एक अच्छे से लेक्चर में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसको याद रखना आपको कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में एक बार सिंगल क्रॉस होकर के बना हुआ था जिसका नाम था विवेक MH9 और क्वालिटी प्रोटीन मेज। यहाँ पर आपका इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है।
कि क्वालिटी प्रोटीन मेज जो है वो कैसे किस टाइप का वैरायटी है, तो कंपोजिट वैरायटी है जो कि मेज में अचीवमेंट लाई थी, मालवीय हाइब्रिड 2, ये सब मेज की वैरायटी है, सिंगल क्रॉस वैरायटी, ठीक है। अब अपन सोरगम की बात करते हैं, तो सोरगम में CS1 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। एंड HB1 ये बाजरा की वैरायटी है, तो आपको याद रखना है CS1 और CSH1 सोरगम की और HB1 बाजरा की वैरायटी, ठीक है। तो यहीं पर ज़्यादा कंफ्यूज होता है हमको, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद चौथा जो है हाइब्रिड कॉटन, तो हाइब्रिड कॉटन के फादर कौन है, CT पटेल, ये क्वेश्चन आ जाता है, CT पटेल। और कौन सी वैरायटी आई थी, H4, मतलब ये जो आज का जो टॉपिक है इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊं क्या, क्योंकि इसमें से हर एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन आपको आ ही जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद H4 कॉटन में हुआ था, ठीक है। और ये हाइब्रिड कॉटन में इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम कॉटन का हाइब्रिड बनाते हैं तो हम सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बनाते हैं, जैसे सेल्युलोज परसेंट, फाइबर का कंटेंट हो गया, या फिर बॉल का फॉर्मेशन हो गया, और इंसेक्ट रेजिस्टेंस, सारे चीज़ पर वर्क करके हम हाइब्रिड बनाते हैं। तो ये CT पटेल वाला क्वेश्चन बार बार आता है, इसको याद रखना। अब अपन देखते हैं अचीवमेंट में मॉलिकुलर और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ अचीवमेंट आया था, ठीक है। तो एक वैरायटी है यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ आपको, पूसा मस्टर्ड की वैरायटी है, ठीक है, मस्टर्ड की वैरायटी है पूसा जय किसान, जो अभी नया वैरायटी रिसेंटली रिलीज हुआ है पूसा जय किसान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मॉलिकुलर ब्रीडिंग से मतलब इसको सोमाक्लोनल वेरिएशन से डेवलप किया गया, ठीक है। एंड कॉटन में क्या आता है आपका, BT कॉटन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। BT कॉटन जो है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से यूज़ हुई थी, इसमें स्टोमच पॉइजन का जो BT थिरोजेंसिस है, ब्रेसिलस थिरोजेंसिस का यूज़ करके हमने क्या किया था, कॉटन में इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जो आपका कॉटन में इम्पॉर्टेंट लेपिडोपटोरियन इंसेक्ट है उसके लिए रेजिस्टेंस लाता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 4 और 5 ब्रीडिंग के कुछ अचीवमेंट्स बताए हैं प्लांट ब्रीडिंग में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता ही होता है, आप पुराने क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, और मिलेंगे दूसरे किसी और प्लांट ब्रीडिंग के लेक्चर्स पर। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही था आज, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। और चैनल, अगर आपको पहली बार आए हैं चैनल में, इस तरह के वीडियो आपको देखना पसंद करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक कर लीजिए। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए धन्यवाद। मुझे फेसबुक ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप है इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्लांट साइंस IAS।